सो आज के प्रॉपर्टी का नाम है लेक वुड रिसोर्ट। सो ये रहा लेक और ये रहा पाइन वुड। यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा कि यूं ही इस जगह को मिनी कश्मीर नहीं कहते, खूबसूरती का खजाना है यहाँ पर। आप यहाँ पर अपने फैमिली के साथ या फिर आप कपल भी यहाँ पर आ सकते हो रिलैक्स करने के लिए। बहुत ही शांत प्लेस है और खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना, फाइंडिंग इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया रोड ट्रिप तो हो गई, उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना पुणे मुंबई के आसपास के जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है या फिर रिसॉर्ट्स है उसकी टूर आपको दी जाए। तो हम लोगों ने अभी बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करे, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और हम लोग अभी आ गए हैं महाराष्ट्र के मिनी कश्मीर तापोड़ा में, जो कि मुंबई से 260 किलोमीटर और पुणे से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको यहाँ पर आने के लिए मुंबई से 6 घंटे और पुणे से 4 घंटे लगेंगे। महाबलेश्वर से ये जगह 28 किलोमीटर की दूरी पर है और यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत है। और आज का मैं जो आपको टूर देने वाली हूँ वो है लेक वुड रिसोर्ट, जो कि बहुत बढ़िया रिसोर्ट है। पाम वुड से बने कॉटेजेस है वुडन के और लेक व्यू, तो और क्या चाहिए बोलिए। तो मैं आपको इस पूरे रिसोर्ट का टूर दूंगी, उसी के साथ साथ प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो हम लोग पीछे से आ गए थे, यहाँ पर पार्किंग एरिया है। इसके बाद ये रहा यहाँ का रिसोर्ट, अंदर हम लोग जाने वाले हो और नीचे की तरफ आप लेक देख ही सकते हो। तो ये हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं। ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया, ऊपर ऐसे इन लोगों ने व्यू पॉइंट बना के रखा है जहाँ पर टेबल्स है, चेयर्स है, जहाँ पर हम लोग अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 18 रूम्स है, जिसमें से जो 6 रूम्स है वो लेक व्यू है और ये जो बाकी के रूम्स है ये सब माउंटेन व्यू है। और लेक के पास हम लोग सभी तो जा ही सकते हैं। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है और यहाँ पर पास में ही बोट क्लब होने की वजह से आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हो। तो चलिए मैं अभी आपको रूम टूर करवा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं रूम के अंदर और ये कृष्णा कॉटेज है और यहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग दी गई है और यहाँ से सामने हम लोग को माउंटेन दिख जाता है। बहुत ही बढ़िया प्लेस है। तो चलिए हम लोग अभी रूम के अंदर चलते हैं। ये जो है ये लग्जरी कॉटेजेस है और इसकी साइज आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी है। यहाँ पर इन लोगों ने सोफा दिया है, किंग साइज बेड है, टीवी है, यहाँ पर इन लोगों ने केटल दी गई है और पाउचेस रखे हुए हैं जिससे आप अपनी कॉफी यहाँ पर बना सकते हो। इसी के साथ साथ वार्डरोब भी दिया गया है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। चेयर्स है, मिरर है और ये देखो ये है बड़ा सा रूम। और यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा चार्जेस देके या फिर एक्स्ट्रा बेड भी आप यहाँ पर लगवा सकते हो। ये है यहाँ का वॉशरूम, वॉशरूम भी बहुत बड़ा है और आप तो रूम देख ही रहे हो, बहुत ही बड़े साइज की रूम है। नॉर्मली जो रिसोर्ट होते हैं उनकी जो रूम की साइज होती है वो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन इस रूम का साइज आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पर करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सारा मजा आने वाला है। हम लोगों ने अभी रूम्स तो देख ली जो कि बहुत ही बढ़िया थी। हम लोग अभी जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जहाँ पर है इंडोर गेम्स और म्यूज़िक सिस्टम, डीजे यहाँ पर रात को कैराओके भी होता रहता है। और यहाँ पर इन लोगों ने ओपन जिम भी दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ पर फायर बॉन फायर भी होता है। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ।
सो ये है कॉन्फ्रेंस रूम। यहाँ पर डीजे भी लगता है रात को, यहाँ पर लाइटिंग्स होती है बहुत सारी, कोरो के सिस्टम भी है, और यहाँ पर आप प्रोजेक्टर लगा के आपको कुछ करना होगा ऑफिस का काम वो भी कर सकते हो। यहाँ पर इंडोर गेम्स में यहाँ पर कैरम है, टेबल टेनिस है, बाहर खेलने के लिए बैडमिंटन है, क्रिकेट भी आप खेल सकते हो। यहाँ पर आप छोटी सी बर्थडे पार्टी करनी होगी या फिर कुछ भी आपको फंक्शन करना होगा तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया स्पेस है, और जो वुडन वर्क है, मतलब वो पूरा का पूरा रिसोर्ट है वो वुडन वर्क से बना हुआ है, तो इसकी वजह से बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसके साथ साथ हम लोग अभी जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। रेस्टोरेंट बहुत ही बड़ा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों को वेज नॉन वेज ऐसे दोनों भी ऑप्शंस मिलते हैं। हमारे पैकेज में जो मील है वो यहाँ पर ही हम लोग को मिलता है। तो चलिए रेस्टोरेंट के बाजू से ही वेज आता है स्विमिंग पूल के लिए, तो वहाँ चलते हैं। सो गाइस, ये है इन लोगों का स्विमिंग पूल, किड्स पूल भी है यहाँ पर। और एक बात आपको बता दूँ, यहाँ पर स्टीम बात भी है जो कि आप कर सकते हो, ये देखो। और यहाँ पर मसाज रूम भी बने हुए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जकूजी भी है, अगर किनको यहाँ पर जकूजी चाहिए होगा तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब ये जो लिंक्स डॉट है सच में लग्जरी है। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई है, जिसके वजह से जो भी यहाँ पर रहने के लिए आ रहा होगा उसको ये बहुत ही बढ़िया से सब कुछ देने वाले हैं। ये रिसोर्ट बहुत ही बड़ा है, माउंटेन और लेक के बीचों बीच ये रिसोर्ट है, और पाइन वुड से बने हुए ये कॉटेजेस बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए हम लोग अभी जा रहे हैं लेक साइड के जो कॉटेजेस है वहाँ पर। और इस पूरे रिसोर्ट की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ही बड़े साइज के कॉटेजेस मिलते हैं। तो मैं भी आपको जो लेक व्यू के जो कॉटेजेस है वो दिखा देती हूँ। सो ये है वो कॉटेजेस, ये है वो कॉटेज, और सेम कॉटेज है। और यहाँ पर हर एक रूम में सोफा कम बेड दिया गया है, जिसकी वजह से आपके साथ कोई अगर चाइल्ड हो या फिर एक्स्ट्रा अडल्ट हो जिसके अलग से चार्जेस है थोड़े से, उसे बस पे करके आप वो तीन जन यहाँ पर आराम से रुक सकते हो। यहाँ पर भी किंग साइज बेड है, सोफ़ा है, केटल दिया गया है, टीवी लगा हुआ है, और उसके साथ साथ एसी रूम है। और यहाँ पर विंडो से आपको लेक व्यू दिखने वाला है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक फ्रिज है, हर एक रूम में एक मिनी फ्रिज दिया गया है, वार्डरोब है, और यहाँ पर है बड़ा सा वॉशरूम। और यहाँ से हम लोगों को बैठे बैठे सोए सोए भी लेक व्यू दिख सकता है। बहुत बढ़िया रूम है, और चारों तरफ से ग्रीनरी होने की वजह से बहुत ही बढ़िया लगता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से इन लोगों ने खुद का टावर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आपको फुल वाईफाई होगा, फुल नेटवर्क होगा, जिसकी वजह से आपको कुछ भी काम करना होगा या यहाँ पर आपको कुछ आपको वर्क करना होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अभी ये लेक कॉटेजेस का व्यू दिखा देती हूँ। सो ये प्रीमियम कॉटेजेस है, मैं अभी आपको बाहर का रूम दिखा देती हूँ। ये नहीं, ये देखिए, वाह, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे वॉच टावर भी बने हुए हैं, जिसके वजह से आपको अगर यहाँ पर ऊपर से जाकर कहीं देखना होगा, लेक व्यू एंजॉय करना होगा, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। तो आते हैं मेन पॉइंट पे, हम लोग अभी इसके प्राइस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ के जो कॉटेजेस है उसका प्राइस है 5,500 रुपीज़, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। रात का डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड वाला पैकेज अलग सा है, 6,500 प्लस टैक्सेस, और उसके साथ साथ अगर आपको फुल मील चाहिए होगा यहाँ पर तो है वो 7,400 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, जिसमें आपको फुल मील मिल जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है बहुत बढ़िया है, वुडन कॉटेजेस है, लेक के
टच लेक टच ये जो प्रॉपर्टी है, और आपको क्या चाहिए होगा, नेचर आपको तो बाकी सब कुछ तो देने ही वाला है। यहाँ पर रहते हुए आपको बहुत सारी शांति मिलने वाली है। तापोराम में ये जो रिसोर्ट है ये बेस्ट रिसोर्ट है। इसी के साथ साथ अभी तक मेरे चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके साथ अगर और एक एक्स्ट्रा पर्सन आ रहा होगा तो उसके चार्जेस अलग से है। और आपको बता दूँ बहुत बड़ी बड़ी रूम्स है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन इन लोगों ने वाईफाई लगाया हुआ है, इसकी वजह से कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड मार्ग यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर इन लोगों की बहुत बड़ी पार्किंग है, फूड भी बहुत बढ़िया है, इंडोर आउटडोर गेम्स भी है, और यहाँ पर अगर आपको पास में कहीं बोटिंग करने जाना होगा तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब ओवरऑल यहाँ पर सब कुछ है। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।